यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 महीने से जारी है। इस बीच रिपोर्ट ऑन विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने साजिश के तहत यूक्रेनी फोटो जर्नलिस्ट मार्क्स लेवनिन और उसके दोस्त ओलेस्की चेर्निसीव की हत्या की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 मार्च को यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक जंगल में जर्नलिस्ट की हत्या की गई थी। पहले रूसी सैनिकों ने मार्क्स और उसके दोस्त से पूछताछ की, बाद में उन्हें यातनाएं दी, फिर उनकी हत्या कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने निर्यात नाम के एक पोर्टल को भी लॉन्च किया, जिसमें देश के फॉरेन ट्रेड से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह मिलेंगी। इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नया वाणिज्य भवन डिजिटल इमारत होगी, इसमें कागजों का ढेर नहीं लगेगा। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। इस साल अब तक 32 विदेशी समेत 118 आतंकियों को मारा गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी है। पिछले साल 2021 में 2 विदेशी आतंकियों सहित कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। देश के बड़े डेयरी कोऑपरेटिव गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी को गुजरात के आनंद गांव के पास कार एक्सीडेंट हो गया। जिस कार से सोडी सफर कर रहे थे वह एक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस ने बताया कि अज्ञात कारणों से ड्राइवर ने कार का कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते यह एक्सीडेंट हुआ। स्थानीय लोग ड्राइवर के साथ सोडी को अस्पताल ले गए, अब दोनों खतरे से बाहर हैं। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 13,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 12,940 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 10,972 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 54,66,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 63,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे झटके का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह यानी आज अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। हालांकि इसमें अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई। वर्ल्ड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक ब्रैड पिट ने हाल ही में खुलासा किया है। एक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जल्द ही फिल्मों से रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वो कब तक रिटायर होंगे, लेकिन यह कहा कि इंडस्ट्री में उनका यह आखिरी समय चल रहा है। एक्टर ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से बहुत सी चीजें बदल गई हैं। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का वायदा भाव 151 रुपए गिरकर 50,753 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है, जबकि सुबह ट्रेडिंग की शुरुआत 50,800 रुपए पर हुई थी। हालांकि 4 दिन की गिरावट के बावजूद सोने की कीमत 50,000 के ऊपर है। वहीं MCX पर चांदी का वायदा भाव सुबह 438 रुपए गिरकर 60,210 रुपए केजी ट्रेड कर रहा है, जबकि सुबह चांदी 60,374 रुपए के भाव पर खुली थी। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 443 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,265 पर और निफ्टी 143 अंक की बढ़त के साथ 15,556 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बढ़त ऑटो और IT सेक्टर में देखने को मिल रही है, इनमें 1% की बढ़त है।